गाइस, मैं प्रदीप श्रीवास्तव। कैसे हो आप सब? तो गाइस, अभी हम लोग कोलकाता से राजस्थान बीकानेर आ चुके हैं और यहाँ ठंड काफ़ी ज़्यादा है। और दिक्षु आज आलू का पराठा और धनिया पत्ती की चटनी बना रही है। तो इसमें मुझे एक चीज़ बहुत खास लगा, वो है धनिया पत्ता की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी, सॉरी। तो इसमें क्या है खास? जो दिक्षु बनाती है ना, वो बहुत ही लजीज तरीके से बनाती है। उसका बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए दीक्षु से ही पूछते हैं कि वो धनिया पत्ती की चटनी इतनी सेक्सी कैसे बनाती है। तो हाय दीक्षु, हाय। तो आप अपना राज बताइए, धनिया पत्ता की चटनी आप इतने अच्छा कैसे बना लेते हो? पूरा प्रोसेस बताओ व्यूअर्स वो को सब लोग आज। अच्छे ही बनाते हैं। हाँ, तो क्या आप बताना नहीं चाहती हैं? चाहती अच्छा हूँ। लग रहा है, ये सस्पेंस रखना चाहती है, अपना ये आइडिया लोगों के साथ शेयर नहीं करना ऐसा चाहती। कुछ नहीं है, पर लोग सोचेंगे कि तो दिक्षु भी KFC की तरह अपना जो प्रोसेस है उसको, सीक्रेट को लीक नहीं करना चाहती है। तो ऐसा चलिए, कुछ नहीं है। तो क्या दिक्षु आप बताना चाहेंगे कि आप धनिया पत्ती की चटनी कैसे बनाते हैं? हाँ, क्यों नहीं, एक मिनट। तो चलिए अभी आपको बैक कैमरा से दीक्षा से मिलाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो धनिया पत्ता की चटनी इतना अच्छा कैसे बना लेती है। चलिए मिलते हैं। तो इनसे मिलिए दिक्षु आज अपना जो टमाटो टमाटो को जो जला रही है। तो चलिए इनसे जानते हैं। तो ये मेरी मम्मी का तरीका था, मेरी मम्मी से मैंने सीखा है। तो देखिए, सबसे पहले धनिया का पत्ता को अच्छे से वॉश कर लीजिए। ये देखिए, जैसे वॉश करके इन्होंने डाला है, मैंने इनको बताया जो जो ये वॉश करके ये डाल लीजिए धनिया के पत्ता। फिर आपको जितना तीखा चाहिए उतना मिर्च डालिए। तो मुझे, हम दोनों को तीखा बहुत पसंद है। तो ये हमारे यहाँ 7 मिर्च है और ये बहुत ही ज़्यादा तीखा मिर्च है। ये ना, इसका टूटा ही था। तो ये 7 मिर्च और ये बहुत तीखा मिर्च है, ये डालिए। उसके बाद लहसुन, लहसुन डालिए 20-15 कली, जैसे मतलब जितना धनिया पत्ता, हमारे पास धनिया पत्ता का क्वांटिटी देखिए आप बहुत ज़्यादा है इसके अंदर तक भरा हुआ, इसलिए हमने 20-15 डाल लिया है, 15-20 डाल लिया है लहसुन। और उसके बाद फिर मैं, सबसे बड़ा प्रोसेस है कि बहुत लोग कच्चे टमाटर डालते हैं, पर मैं कच्चा टमाटर नहीं डालती। मैं इसको अच्छे से, इसको मेरा एक प्रोसेस है जो मैं भुना हुआ टमाटो करती हूँ। तो देखिए ये भुन रहा है, ये भून चुका है पूरा। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसको फिर, तो इसका पूरा ये ब्लैक वाला हटा करके, उसके बाद इसको फिर इस पे ग्राइंडर मशीन में इस पे डाल करके फिर इसको ग्राइंड करना है। इसमें इसमें नमक भी हम ऐड करेंगे, ठीक है? नमक और सरसों का तेल। तो सरसों का तेल कब ऐड करेंगे? जब हम इसको पीस लेंगे तब। नमक को अभी ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से इस पे ये हो जाए। तो ये देखिए, स्वाद के अनुसार नमक डालिए। तो मेरा जितना स्वाद है मैं उतना नमक डाल रही हूँ। और इसको फिर वॉश कर लेते हैं, वॉश नहीं करते, इसका वो छिलका उतार लेते हैं। वॉश करने से बहुत पानी निकलता है, तो पहले वॉश करते थे पर अब इसको वॉश करना छोड़ दिया मैंने। ये देखिए, इसका ये जो छिलका है इसको उतार लेते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है ना, इसकी चटनी मैंने जिस जिसको खिलाया सबको पसंद आई है ना। बहुत, मैं तो सबसे ज्यादा बिग फैन हूं। गाइस, अभी ये ग्राइंड करने के लिए रेडी हो गया है, तो मैं इसे ग्राइंड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये ग्राइंड करेंगे ये। गाइस, हमारा बनके रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीन, कितना टेस्टी लग रहा है। ये तो हमारा एक दिन में मेरे पति देव खा के खत्म कर देंगे। बस इसमें अब आप सरसों का तेल ऐड कर लेना, बिल्कुल 2 बूंद, एकदम 1-2 चम्मच नहीं, बिल्कुल 2 बूंद। तो दिखाएं दो, वाओ, प्योर ग्रीन, बहुत मस्त चटनी बनाती है दीक्षु, मैं तो बिग फैन हूँ। तो चलिए गाइस, अब खा के आपको बताएंगे। अभी तो आलू के पराठे बन रहे हैं हमारे, तो आलू के पराठे और चटनी के साथ हम लोग खाएंगे। बाकी थंबनेल में आप देख लोगे कि खाना हमने कैसे सर्व करके खाया, कितना एंजॉय किया। तो चलिए गाइस, एक छोटा सा ब्लॉग था, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें ये धनिया पत्ते की चटनी की। मैं तो बोलते बोलते जी से पानी गिर रही है। हाँ तो ठीक है गाइस, रखते हैं हम लोग, बाकी हम लोग थंबनेल में आपको फोटो दिखा देंगे।